गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर विद रीग्रुपिंग एंड विदाउट रीग्रुपिंग। हेलो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर्स विद वन डिजिट, ओके, मल्टीप्लाई विदाउट रीग्रुपिंग। एग्जाम्पल वन, मल्टीप्लाई 24 बाय 2, सो हम इसे यहाँ पे ग्रुपिंग करके इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। वी आर टू डिजिट नंबर मल्टीप्लीकेशन, वी आर डूइंग टू डिजिट मल्टीप्लीकेशन नंबर विदाउट रीग्रुपिंग, ओके। सो स्टेप वन टू मल्टीप्लीकेशन टू डिजिट नंबर एट द वंस प्लेस, सो वी आर मल्टीप्लाइड दिस विद द 24 बाय 2, लुक 24 बाय 2, सो 4 2 8, आफ्टर वी गेटिंग 2 4 8, वी आर कमिंग टू स्टेप 2, मल्टीप्लाई द डिजिट्स एट द वंस प्लेस ऑफ द सेकेंड नंबर विद द डिजिट्स एट द टेंस प्लेस। हमने यहाँ पे क्या किया था, वंस प्लेस से स्टार्ट किया था, फ्रॉम द राइट साइड नंबर, ओके। राइट साइड नंबर कौन सा था, 4 था, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, हमें ये आंसर मिल गया। अब हम 8 मिलने के बाद हम इसमें टेंस नंबर पे पहुँच जाएंगे, ओके। हम 8 को लिखे ही रहने देंगे, हम यहाँ पे क्रॉस नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज द ओनली वन नंबर ना। सो आफ्टर दैट वी आर कमिंग टू टेंस पोजिशन नंबर, आफ्टर वंस पोजिशन वी आर कमिंग टू टेंस पोजिशन नंबर, दिस इज द टेंस पोजिशन नंबर ना, इज 2, सो 2 2 4, वी आर राइटिंग हियर 4। नाउ 2 2 2 इज द 2 टेंस, 2 2 4, सो 4 इज द टेंस, ओके। हेंस द प्रोडक्ट ऑफ 24 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज द 48, मल्टीप्लाइड विद रीग्रुपिंग। अब यहाँ पे विदाउट हमने रीग्रुपिंग मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे रीग्रुप करके मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। मल्टीप्लाई बाय 25 बाय 3, ओके, मल्टीप्लाई द वंस एंड रीग्रुप। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम मल्टीप्लाई द वंस एंड रीग्रुप। सो हमने इसको क्या किया है, पहले वंस को स्टार्ट किया है, 3 5 15, सो 15 में तो सिर्फ 15 में तो 2 डिजिट्स होते हैं ना, सो 5 इज द राइट साइड नंबर, सो वी आर राइटिंग हियर 5, और एक 1 बज रहा है 15 में, 5 तो हमने यहाँ लिख दिया बिकॉज ये राइट साइड का नंबर है, और 1 लेफ्ट हो रहा है, 1 बज रहा है, तो हमने इसको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर दिया टेंस पोजीशन नंबर में। जब हम इसका मल्टीप्लाइड करेंगे, जो भी आएगा उसमें हम 1 को प्लस करेंगे, ओके। मल्टीप्लाइड द वंस एंड रीग्रुप, 3 5 15, सो 5 इज हियर, 1 इज कैरी फॉरवर्डेड। एंड स्टेप 2, मल्टीप्लाइड द डिजिट एट वंस प्लेस ऑफ द सेकेंड नंबर, ओके। नाउ वी आर कमिंग टू टेंथ पोजिशन नंबर, 3 2 6 6 हो गया, और यहाँ पर 1 भी है, तो 6 में हम 1 को प्लस कर देंगे, 6 + 1 = 7, सो वी आर राइटिंग हियर 7, ओके। राइट द 7 अंडर टेंथ कॉलम, तो जो 7 होगा हम यहाँ नहीं लिख देंगे, हम इसको टेंथ पोजिशन के नंबर में ही लिखेंगे, ओके। हैंस द प्रोडक्ट ऑफ 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज द 75, ओके। सो दिस इज द जो प्रोडक्ट बना हमारा वो 75 हुआ, अगर इसको हमने मल्टीप्लाइड कर दिया तो, सिंपल, ओके। एक्सरसाइज 4.2, सो यू कैन डू इट एज द सेम, सो हियर यू कैन सी दैट ना, एक्सरसाइज 4.2 मल्टीप्लाइड द फॉलोइंग, सो 4 2 ज़ा, ऑलवेज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम वंस प्लेस नंबर ना, फ्रॉम अवर राइट साइड हैंड, ओके। 4 2 ज़ा 8, सो आई हैव राइट हियर 8, 4 2 ज़ा 8, सो 8 इज हियर, सो आंसर इज 88, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, सो 9 इज हियर, सो आंसर इज 93, अंडरस्टूड। आफ्टर दैट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम राइट साइड, 2 4 ज़ा 8, सो 8 इज हियर। आफ्टर दैट वी आर कमिंग टू टेंथ पोजिशन नंबर, 2 1 ज़ा 2, सो 2 इन टेंथ प्लेस नंबर, 1 10, ओके, सो आंसर इज 28, 5 1 ज़ा 5, एंड 5 4 ज़ा 20, सो हम 20 को बिल्कुल पूरा पूरा लिख देंगे, 20 को एज इट इज 20 ही लिख देंगे, ओके, इन टेंथ प्लेस नंबर, सो टेंथ प्लेस नंबर इन 20 इट इज बिकम 100 प्लेस नंबर, 1 10 100, ओके। सो 5 4 ज़ा 20 आया, हमने उसको पूरा पूरा ऐसे ही लिख दिया, आंसर इज 205, अंडरस्टूड, ओके। दिस इज योर होमवर्क, डू इट, ट्राई टू डू इट, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।